सुनने में आता है कि अगला जो गाना है, जो फिल्म है, वो ज्ञान मुखर्जी के लाइफ से इंस्पायर्ड थी। एक ऐसा फिल्म जो अपने वक्त से 50-60 साल आगे था। इस फिल्म के डायरेक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी थे, और इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पे ना चलने की वजह से गुरुदत्त साहब को बहुत नुकसान हुआ। इतना ज्यादा लॉस कि ये उनकी आखिरी फिल्म थी बतौर डायरेक्टर। उनके आखिरी दौर में वो बकायदा डायरेक्टर वापस आना चाहते थे अपने दोस्त देव आनंद के साथ, बट वो वक्त कभी आया ही नहीं। और वक्त पे किसका भी जोर चला है, पर उस वक्त जब ये फिल्म बनी थी तब इंडिया की ये पहली वाइड स्क्रीन फिल्म थी, सिनेमा स्कोप। गुरुदत्त साहब की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स, जिसे आज भी लोग देखना पसंद करते हैं और सुनना पसंद करते हैं, कागज के फूल। चलिए सुनते हैं। कुछ पता